विधानसभा चुनाव चालू होने वाले हैं और कुछ ही दिनों के बाद वोट भी डालने वाले हैं। ऐसे में आज बसना विधानसभा में जाड़ा मुलाम पहुंचे हुए हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों की मंशा हम जानने के लिए आए हुए हैं। दादाजी, अभी विधानसभा चुनाव चालू होने वाले हैं, आने वाले समय में कई प्रकार के मुद्दे देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी कई अपने घोषणा भी सामने ला रहे हैं, तो अब की बार आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं और बसना विधानसभा में किसको देखना चाहते हैं आप? हम तो कांग्रेस हैं, कांग्रेस को देखना चाहते हैं ना। तो कांग्रेस कैसे क्या उनके मुद्दे हैं, क्या जो उनसे आप प्रभावित होकर उनको आप मतदान करना चाहते हैं? कर्जा माफ कर दिया, गैस दुनिया भर का सब चीजें दे रहा है, ठगवा सरकार तो नहीं है ये भाई, उसको क्यों ये करे? आज तक तो वो ठगा नहीं है किसी भी चीज में, भूपेश बघेल ने। क्या आपके साथ आपके पूरे गाँव में ही कांग्रेस का लय है? 75% वोट है सर मेरे, 75%। तो आपकी कितनी एकड़ जमीन है? मेरा जमीन नहीं है, वैसे तो एक आते कर है। और ऐसे कांग्रेस के कौन कौन से विचारधारा है, उनके क्या मुद्दे हैं जो आपको अच्छे लग रहे हैं? वो तो हर चीज में अच्छा लग रहा है हम लोगों को, गरीबों को भी देख रहा है। जैसे जिसका जमीन नहीं है उसको 7-8 हजार रुपए उसको पेंशन दे रहा है, अभी पेंशन बढ़ा दिया अभी है 600 रुपए, 350 रुपए मिल रहा था, 650 रुपए कर दिया है ना, कर्जा माफी पूरा कर दिया। तो हम लोग 100-150 रुपए में अपना ईमान को थोड़े ना बेचेंगे, वो लाख 1.5 लाख के कितना भी किसान है, सब किसान तो जितने हैं ना वो तो सब छूट में जाएंगे ना भाई। अभी वर्तमान में हमारे विधायक हैं राजा देवेंद्र बहादुर सिंह बसना विधानसभा के, वो कैसे हैं, आपके सुख दुख में साथ देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं भाई, वो बिल्कुल देते हैं, आते जाते हैं, निमंत्रण करते हैं, वो आते हैं देखते हैं। रोड तो बहुत बना चुके हैं और काम भी तो बहुत कर चुके हैं हमारे राजा साहब। तो आपने देखा जाड़ामूला के व्यक्ति हैं जो अब की बार कांग्रेस की सरकार देखना चाह रहे हैं, अब बसना विधानसभा में राजा साहब को पुनः देखना चाह रहे हैं। ऐसे बसना विधानसभा के अनेकों खबरों के लिए आप जुड़े रहे हैं छत्तीसगढ़ संदेश।